मूवीज में ऑक्टोपस को इतना खतरनाक दिखाया जाता है, हम देखकर डर जाते हैं। लेकिन ऑक्टोपस को लोग खाते हैं, वो भी जिंदा। सिर्फ ऑक्टोपस ही नहीं, जिंदा फिश, जिंदा मेंढक तक खाते हैं लोग। आइए इस वीडियो में ऐसे ही आश्चर्यजनक सी फूड्स के बारे में जानते हैं जिन्हें जिंदा ही खाया जाता है। सबसे पहले अपने देश भारत के कुछ अजीब फूड्स के बारे में जानते हैं। भारत में संस्कृति और परंपराओं की जितनी विभिन्नता है, उतना ही वैरायटी यहाँ के स्वादिष्ट खानों में झलकती है। भारतीय खाना अलग अलग जगह की संस्कृति और रहन सहन का खूबसूरत मिश्रण है। लेकिन देश की तरह ही हमारे खाने में कई अनूठे और अनोखे पहलू हैं, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। हो सकता है आपको थाली में हाथ लगाने से पहले दो बार सोचना पड़े। लाल चींटी की चटनी। छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के जंगलों की लाल चींटियों और उनके अंडों से बनी यह तीखी लाल चटनी, जिसे चापड़ा भी कहा जाता है, ये चटनी खाने से पहले आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। पहले इन चींटियों को सुखाया जाता है, फिर नमक और दूसरे मसालों के साथ इसे कूटा जाता है, फिर इन चींटियों को सर्व किया जाता है। इन चींटियों में फॉर्मिक एसिड होता है। घोंघे का स्टू और स्टीम्ड हार्नेट। नागालैंड में खाना खाने से पहले आपको अपने अंदर के निडर आदमी को बाहर लाना होगा। घोंघे का स्टू और स्टीम्ड हार्नेट लार्वा यहाँ का सबसे मशहूर और स्वादिष्ट खाना है। यह अधिकतर गलियों में बेचा जाता है और लोगों का मानना है कि ये बेहद ही स्वादिष्ट होता है। मेंढक के पैर या फ्रांसीसी खाना सालों से स्वाद के दीवानों को खुश कर रहा है। सिक्किम के लेपचा समुदाय का इस खाने में मौजूद औषधीय गुणों पर बहुत विश्वास है। वे मानते हैं कि यह पेट से जुड़ी परेशानियों का इलाज करता है। गोवा में इसे जंपिंग चिकन के नाम से जाना जाता है। सिक्किम में कई रेस्टोरेंट में आपको जंपिंग चिकन मिल जाएगा। इरी पोलू। ये असम का बहुत ही मशहूर खाना है। इसे रेशम के कीड़ों से बनाया जाता है। इरी और रेशम का कीड़ा इस खाने की मुख्य सामग्री है, जिसे ककून से निकालने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। ये तो हो गए भारत के अजीब भोजन। अब जानते हैं विदेशी लोग किस हद तक सी फूड्स का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ऑक्टोपस की तरह ही सन्नी काजी भी समुद्र का एक जीव है, जिसे लाइव ऑक्टोपस कहा जाता है, जो दिखने में बहुत छोटे लगते हैं। इसे दक्षिण कोरियाई के लोग चाव से खाते हैं। सन्ना काजी को छोटे छोटे मात्रा में काटने के बाद भी यह हिलता रहता है। सी उर्जिन। सी उर्जिन बाहर से कांटेदार दिखते हैं, पर अंदर से सॉफ्ट और नारंगी नजर आते हैं। इसके अनोखे स्वाद की वजह से लोग इसे जिंदा खाना पसंद करते हैं। ये जीव काफी कॉस्टली भी होते हैं। 200 ग्राम लगभग 30,000 रुपए का पड़ता है। दोस्तों, इसे समुद्री गोल्ड भी कहते हैं। यह जीव तटवर्ती स्थानों पर ज्यादा पाया जाता है। ओडीरी एबी। ओडीरी एबी को डांसिंग झींगा भी कहा जाता है। इसे जापान का मशहूर डिश माना जाता है, जिसे लोग खाना पसंद करते हैं। ये अपने आप खाने की प्लेट में मूव करते रहते हैं। फ्रॉग। अमूमन लोग फ्रॉग को अच्छी तरीके से पका कर खाते हैं, पर साउथ एशिया में कुछ ऐसी जगह है जहाँ लोग फ्रॉग को जिंदा ही खाते हैं। इकीजी कुरी। ये जापान में पाया जाने वाला बेहतरीन डिश है, जिसे जिंदा खाया जाता है। इसे सशिमी कहा जाता है। इसके बेहतरीन स्वाद के वजह से लोग इसे खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, भारत के लोग भी इन खानों में पीछे नहीं है। कुछ भारतवासी भी इनका स्वाद लेने के लिए, इनका आनंद लेने के लिए विदेश चले जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप ये वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।